देखिए दोस्तों, विधानसभा चुनाव के अंदर मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए तरह तरह के जुगाड़ पार्टियों के स्तर से और कैंडिडेट के स्तर से करने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, उसके साथ ही मतदाताओं को किस प्रकार अपने पाले में लाया जाए, अपनी तरफ उनको आकर्षित किया जाए, इसके लिए तरह तरह के साधन पार्टियों के स्तर और उम्मीदवारों के स्तर से अपनाने का काम शुरू हो चुका है। हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लें तो हनुमानगढ़ ज़िले के भी ऐसे ही चांस दिखते नज़र आ रहे हैं। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और जो पेट्रोलियम डीलर के द्वारा एक कलेक्टर को ज्ञापन सौंप पर शिकायत की गई है कि प्रत्याशियों ने चुनाव से पूर्व गांव गांव में भंडारित कर लिया है डीजल, ताकि उनको सीधी सप्लाई दी जा सके। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की ओर से पंजाब हरियाणा से डीजल लाकर मतदाताओं को उपलब्ध करवाने और अपने पक्ष में करने को लेकर एक शिकायत हनुमानगढ़ कलेक्टर को दी गई है। पेट्रोलियम यूनियन का कहना है कि हनुमानगढ़ जिले के साथ लगते हरियाणा पंजाब की सीमा है और पंजाब में 16 रुपये पेट्रोल सस्ता है और डीजल 9.5 रुपये सस्ता है, इसीलिए यहाँ पर जो है डीजल का माफिया कहें, चाहे हम चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को कहें, मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए डीजल की होम डिलीवरी व फील्ड डिलीवरी देने के लिए बड़ी मात्रा में गांव गांव के अंदर अवैध डीजल का भंडारण किया जा रहा है। ऐसा आरोप पेट्रोलियम यूनियन के द्वारा लगाया गया है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को यह डीजल पेट्रोल सप्लाई किया जाएगा। जहाँ एक और बादरा क्षेत्र के अंदर 80,000 लीटर जो अवैध रूप से बनाया गया था, वहाँ पर पिछले दिनों पुलिस ने पकड़ा था। इस प्रकार के उदाहरण हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम हरियाणा पंजाब सीमा पर लगे पंपों की बात करें, तो वहाँ पर पेट्रोल डीजल सस्ता होने के कारण, राजस्थान का वैट ज़्यादा होने के कारण महंगा पेट्रोल डीजल मिलता है और पंजाब हरियाणा में सस्ता मिलता है। इसीलिए अब चुनाव के प्रत्याशियों और पार्टियों के स्तर से डीजल पेट्रोल का खेला राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर करने का एक नायब तरीका निकाल लिया गया है। इसलिए पेट्रोलियम यूनियन के द्वारा ये शिकायत की गई है। देखना यही है कि कलेक्टर के स्तर से अब इन पेट्रोल डीजल जो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में आ रहा है, उसको रोकने के लिए कोई कार्रवाई की जाती है या फिर नहीं की जाती है, तमाम बातें देखने वाली होंगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।